हमारे साथ कार्यक्रम में अब शामिल हो रहे हैं मोतीलाल ओसवाल, एएमसी के सीनियर वीपी और फंड मैनेजर, ताहिर बादशाह। ताहिर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। यह पूरा महीना काफी एक्शन भरा दिख रहा है दोनों ही तरफ, तेजी और मंदी की तरफ। हालांकि अब बाजार धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकते हुए दिख रहे हैं, क्या आपको और ज्यादा डीप करेक्शन होता हुआ दिख रहा है, या फिर मार्च के महीने में जनरली हम देखते हैं कि बाजारों में कमजोरी होती है और वही एक रुझान दिख रहा है, अप्रैल के महीने से आप उम्मीद कर रहे हैं बाजार फिर से बेहतर होते हुए दिखेंगे? मेरे हिसाब से जी थोड़ा बहुत तो करेक्शन हो गया है, वी हैड काफ़ी स्टीप करेक्शन हुआ है, लगभग 8-9 टका मार्केट से ही निकल गया है तकरीबन पीक से अराउंड जो अपने जो हमने फरवरी में अचीव किया था, तो वहाँ से करेक्शन इज़ हैज़ बीन एडिक्वेट। और वैसे आप देखो साइड काउंटर्स और मिड कैप में तो और भी ज़्यादा करेक्शन हुआ है, तो यहाँ से इमीजिएटली बहुत ज़्यादा सरकता हुआ मुझे मार्केट नहीं दिख रहा है, लेकिन वी माइट ओनली विल हैव टू सी द नेक्स्ट मंथ। काफ़ी क्रूशियल इवेंट्स लाइंड अप है अप्रैल में, यहाँ से फोकस मेरे हिसाब से विल शिफ्ट टू इन द अर्ली पार्ट ऑफ अप्रैल टू कॉर्पोरेट रिजल्ट्स। तो अभी हमारी फोर्थ क्वार्टर कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगी लगभग फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल के बाद, तो मार्केट का ध्यान सर्टनली उन रिजल्ट की तरफ आकर्षित होगा, और वो शायद मार्केट का रुख थोड़ा ज़्यादा डिटर्मिन करे। अप्रैल में वापस पार्लियामेंट की बैठक होनी है और फाइनेंस बिल का पैसेज भी होना है, तो वो भी देखना है कि एवरीथिंग मूव स्मूथली और नॉट। सो करेक्शन हो चुका है, लेकिन इवेंट्स आर इम्पोर्टेंट इवेंट्स। देखना ये भी है कि पॉलिटिकली हमें कुछ और दिक्कतें ना आए, स्पेशली अराउंड द फाइनेंस बिल सेशन जब अप्रैल में होगा, तो ये सब बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, और इसलिए थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन यहाँ से बहुत जोर से एक ही शॉट में सरकता हुआ मुझे मार्केट नहीं दिख रहा। मुझे लगता है एक बार पहले रिकवरी आ सकती है थोड़ी बहुत, उसके बाद शायद विल हैव टू वंस अगेन डिटरमाइन करना पड़ेगा क्या रुख बन सकता है। ताहिर, लार्जली किस तरह की रेंज आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, फिट ऑल रिकवरी आती है तो किस दायरे में ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा? आई थिंक दो तीन सेक्टर जो है वो मुझे हमें लगता है कि रीजनेबली स्ट्रॉन्ग रहेंगे हमारे लिए। देखिए एक अच्छी बात ये हो रही है फ्रॉम इंडिया मार्केट परस्पेक्टिव एंड ग्लोबल मार्केट परस्पेक्टिव दैट बाकी विदेशी मार्केट्स रीजनेबली स्ट्रॉन्ग है, पर्टिकुलरली यूएस, और वहाँ पे इकोनॉमिक रिकवरी भी दिख रही है, सब आसार दिखाई दे रहे हैं। हाउसिंग स्टार्ट्स देख लीजिए, न्यू हाउसिंग सेल्स देख लीजिए, तो वहाँ पे क्लियरली कंज्यूमर सेंटिमेंट भी इम्प्रूव होते दिख रहा है। सो यूएस मार्केट्स के स्ट्रेंथ के चलते हुए हमारे यहाँ भी थोड़ी बहुत तेज़ी बनी रह सकती है, और स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू के फ्लोज बनते रहेंगे। हालांकि कुछ पिछले दो तीन हफ्तों में दिखाई दिया है आफ्टर दिस पॉलिटिकल इवेंट जो हो गई है और साइप्रस का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि FII इन्वेस्टमेंट डेली बेसिस पे थोड़ा कम होते हुआ है कंपेयर टू जो पहले डायरेक्शन था और पहले स्ट्रेंथ था, लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से हमें कंफर्ट इसी बात में लेना है कि ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग रहेंगे और FII फ्लोज उसके हिसाब से उसके चलते हुए इवन इमर्जिंग मार्केट्स में रीजनेबली स्ट्रांग रहेंगे। तो अगर वो होता है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, लेकिन हमारे जो डोमेस्टिक लोकल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हमें एड्रेस करना पड़ेगा, और उस हिसाब से लगता है कि बहुत ज़्यादा मार्केट की वीकनेस यहाँ से मुझे इमीडिएटली नहीं दिखाई दे रही है अनलेस न्यू इवेंट्स टर्न अप टू बी नेगेटिव। लेकिन ऐसे में रिस्क क्या है बाजार के लिए, क्योंकि जब आप कह रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, लिक्विडिटी फ्लो वहाँ से रहेगा, तो क्या ऐसे ट्रिगर्स हो सकते हैं जो भारतीय बाजारों को मजबूर करें कि वो विदेशी बाजारों के मुकाबले में कम तेजी दिखाएं या थोड़ा अंडर परफॉर्म करें? जहाँ तक इंडिया का सवाल है, बेसिकली इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट का ही सबसे ज़्यादा रिस्क रहेगा, मतलब ग्राउंड लेवल पे हम अगर इंटरेक्ट करते हैं तो अभी भी इकोनॉमी में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में पेमेंट डिलेज वगैरह की बातें हो रही है, वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सो वो मुद्दे को रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमें ये भी गार्ड करना है कि वी डोंट हैव एनी अदर पॉलिटिकल इशू, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि हमें कुछ जल्दी में इलेक्शन हो सकता है, या ऐसी कोई प्रॉबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है। वी विल प्रॉब्ली हैव इलेक्शंस जो अपने स्केड्यूल पे जो मई 2014 में होना है वो, लेकिन वो क्या है ना कि वो सेंटिमेंट को आके वीक कर देते हैं, और मोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि
गवर्नमेंट रिफॉर्म कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो अब जो रिसेंट हालात हुए हैं पॉलिटिकली, उससे ये होगा मेरे हिसाब से कि जो बड़े बिल्स है, पेंशन है, इंश्योरेंस वगैरह के बिल्स है, वो शायद थोड़े दिक्कत हो जाए पार्लियामेंट में सपोर्ट लेने के लिए, लाने के लिए। लेकिन जो दूसरे मैनी अदर थिंग्स जो इकनॉमी में गवर्नमेंट कर सकती है सो एज टू इंश्योर कि इन्वेस्टमेंट लेवल पिकअप हो सके, जैसे कि ऑयल एंड गैस अप्रूवल्स हैं जो अभी आ रहे हैं धीरे धीरे, पावर सेक्टर में काफ़ी चीज़ें हैं जो चेंज हो सकती है, तो दैट इटसेल्फ कैन प्रोवाइड मोमेंटम। आपने हमने ये भी देखा है कि अभी लगभग 3 महीने हो गए, 3 राउंड ऑफ डीजल प्राइस हाइक्स हो गए हैं, सो वो भी थोड़ा गवर्नमेंट की कमिटमेंट दिखा रहा है। सो अगर ये सब रिफॉर्म्स चलते रहे तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ग्राउंड लेवल इकोनॉमिक सिचुएशन अगर इम्प्रूव हो जाए तो वो थोड़ा मार्केट्स को सुधार सकता है। अगर वो नहीं हुआ तो दैट कैन बी अ प्राइमरी रिस्क, और बाकी पॉलिटिकल रिस्क विल रिमेन एज अ रिस्क। थर्ड इज रिजल्ट सीजन, जो जैसे मैं आपको बता रहा था कि वी वॉन्ट टू सी सम गुड नंबर्स दिस टाइम विच मे नॉट बी वेरी ईजी, और मार्च लास्ट ईयर का बेस इफेक्ट भी रहेगा, तो शायद दैट कैन बिकम अ रिस्क इफ एट ऑल Q4 GDP नंबर्स एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर नॉट टू गुड। आप रिजल्ट से क्या उम्मीद है सेक्टोरली, और साथ ही यहाँ से आगे फिर कहाँ पर पैसा लगाकर कुछ थोड़ा बहुत सोलस पाया जा सकता है, सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद आहिर से। सत्तावन 100 की ओर यहाँ पर निफ्टी बढ़ता हुआ 5693 के आसपास ट्रेड यहाँ पर साफ तौर से दिखाई दिया है। हम बात कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के ताहिर बादशाह से, ऑफ कोर्स ऑयल एंड गैस सेक्टर पर कुछ बुलिश है ताहिर, और ख़ास तौर से यहाँ पर जिस तरह के इंडिकेशंस भी मिले हैं पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली से, उन्होंने कहा है कि कैबिनेट की बैठक में अगले 15 दिनों के भीतर गैस प्राइसिंग की समीक्षा होगी, और पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि कुछ दिनों में ही शेल गैस नीति पर भी अंतिम फैसला लिया जाएगा। You know, we will have a policy, and I have already drafted, it has been circulated among all the ministries. Perhaps, you know, within a day or two, that we are sending, I am sending the draft cabinet note to the cabinet. ताहिर, कुछ सेक्टर्स पर आपसे राय लेना चाहूँगा, खासतौर से रेट सेंसिटिव सेक्टर्स पर, क्योंकि RBI की तरफ से पॉलिसी आई, ब्याज दरों में कटौती भी हुई, लेकिन बाजार ने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। जिस तरह के हालात ऑटो सेक्टर के हैं या फिर बैंक्स में जिस तरह से NPS के इशू है, क्या आपको लगता है सिर्फ एक आध कट से बात नहीं बनेगी, और अब क्या इस खराब माहौल में आप कहीं पैसा लगाने की राय दे रहे हैं या फिर अब भी और बुरा वक्त आना बाकी है? जहाँ तक बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ये जो रेट सेंसिटिव वाले सेक्टर्स हैं उनकी बात है, मुझे लगता है कि रेट कट्स ग्रेजुअल इंटरवल्स पे आते रहेंगे। अब हमने ऑलरेडी 25 बेसिस पॉइंट्स के 2 कट देखे हैं, तो शायद तीसरा इमीजिएटली आएगा कि नहीं वो कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर धीरे धीरे रेट कट्स स्टडी इंटरवल्स पे आते रहेंगे, ताकि ग्रोथ को थोड़ा बढ़ावा दिया जा सके। और दैट इज़ जैसे RBI ने लास्ट अपनी मीटिंग में भी थोड़ा फोकस ग्रोथ की तरफ बढ़ाया है, तो मुझे लगता है कि वो होता रहेगा, लेकिन RBI के दायरे में रह के रहेगा, वो अपने पैरामीटर्स देख के काम करेंगे, तो आई डोंट थिंक वील बी एबल टू जज दैट वेरी इजिली। जब मीटिंग आएगी और उसके पहले जो डेटा आएगा उसके हिसाब से डिसीशन लिया जाएगा मुझे लगता है, तो उससे थोड़ा फ़ायदा बैंकिंग सेक्टर और जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव वाले हैं, स्पेशली जहाँ पर कनेक्शन बहुत डीप हो चुका है, फॉर एग्जांपल ऑटोज़, सिलेक्ट ऑटो कंपनीज में मुझे लगता है कि थोड़े बहुत इनिशिएशन कर देना चाहिए। हालांकि मार्केट की वॉलीटिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए इट मे नॉट बी एडवाइज टू पुट एवरीथिंग एट वन गो, लेकिन जब भी करेक्शन दिखाई दे इन सब चीज़ों में, इन सब स्टॉक्स में, तो वहाँ पे ग्रेजुअली इन्वेस्ट करने का मौके उठाते रहने चाहिए। प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी शायद कुछ मोमेंटम आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा, बिकॉज डिपॉजिट्स रेज करना बहुत टफ होता जा रहा है एनवायरनमेंट में, और प्राइवेट बैंक्स का पूरा बेसिस कासा के ऊपर रहा है, सो कासा को जब तक ग्रोथ नहीं आता, डिपॉजिट्स में ग्रोथ नहीं आ पाता,
वहाँ पे थोड़ा मार्जिन का प्रेशर उन्हें उनके लिए बनाया रहेगा अगले 2-3 क्वार्टर्स में मुझे लगता है, और उनके वैल्यूएशंस भी थोड़े महंगे से है। सो मुझे लगता है कि इमिजिएटली प्राइवेट बैंक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी। आई एम नॉट टू श्योर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर परहैप्स लिटिल मोर बीटन डाउन, और वो थोड़े इंटरेस्ट रेट कट्स और NPA साइकिल से ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मुझे लगता है शायद उनमें थोड़ा उछाल आ सकता है। बाकी मुझे लगता है कि ग्लोबल सेक्टर्स IT और फार्मा पर ध्यान देना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका CNBC आवाज़ के लिए वक्त निकालकर आज बाजार और सारे सेक्टर्स पर अपनी राय देने के लिए। तो ये ताहिर बादशाह मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ के। इस बीच बाजारों ने मजबूत शुरुआत की और 5700 के आसपास यहाँ पर निफ्टी पर ट्रेड होता हुआ दिखा है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाएं। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर, आगे आपके लेकर आएंगे आवाज़ IPL। नमस्कार।